भागलपुर के बरारे स्थित विसर्जन घाट से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। मुसहरी घाट में लगे ड्रेजिंग जहाज की चपेट में आने से तकरीबन 40 से 50 भैंस गंगा में समा गए। वहीं 8 युवक में 6 युवक किसी तरह जान बचा कर निकले, 2 युवक अभी भी लापता है जिसकी खोजबीन जारी है। स्थानीय गोताखोर SDRF की टीम उसे ढूंढने में लगी है। मुसहरी घाट में प्रत्येक दिन भैंस चराने के लिए चरवाहा दक्षिण भाग से उत्तरी भाग की ओर गंगा नदी पार कर जाया करते हैं। इसी दरमियान आज ड्रेजिंग जहाज की पंखी की चपेट में आने से यह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 45 से 50 भैंसे डूब गई और 2 व्यक्ति अभी भी गायब है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बरारी थाना समेत कई थाने की पुलिस और भागलपुर के SDO धनंजय कुमार पहुंचे और घटना का जायजा लिया। देखते ही देखते पूरा विसर्जन घाट छावनी में तब्दील हो गया, ग्रामीणों की हुजूम सी लग गई। वहीं लापता चरवाही की पहचान मायागंज के निवासी सिकंदर यादव और कारू यादव के रूप में की गई है। 8 चरवाहों में 6 चरवाहा तो किस तरह जान बचाकर मौत के मुंह से निकल गए, परंतु 2 युवक सिकंदर यादव और कारू यादव अभी भी लापता है। इसकी खोजबीन में SDRF की टीम और गोताखोर लगे हुए हैं। भैंस चराने जा रहे चरवाहा बरारी का रहने वाला धीरज किसी तरह जान बचाकर मौत के मुंह से बाहर निकला और लोगों से आपबीती बताई। वहीं घटना के बारे में सुनते ही SDO धनंजय कुमार पहुंचे और तुरंत SDRF की टीम को बुलाया गया और SDRF की टीम के साथ स्थानीय गोताखोरों ने डूबे 2 युवक सिकंदर यादव और कारू यादव को ढूंढने का कार्य प्रारंभ कर दिया। साथ ही उन्हें सांत्वना दिया गया कि जल्द ही दोनों को ढूंढकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं लापता युवक सिकंदर यादव और कालू के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। उनका कहना है कि बरसों से भैंस लेकर उस पार चारा खिलाने के लिए जाया करते थे, लेकिन आज इतनी बड़ी घटना बर्दाश्त से बाहर हो रही है। प्रशासन से गुहार लगाते हुए उनके उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों को मेरे पास लाया जाए। परिजनों में सभी सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल है। प्रत्यक्षदर्शी प्रदीप यादव ने कहा कि हम लोग पशुओं को चारा खिलाने के लिए देरा लेकर जा रहे थे, तभी जाने के क्रम में पानी की धार काफी तेज थी, जिस कारण नाव वहीं पर रुक गई और जहां से टकरा गई और मेरी नजरों के सामने तकरीबन 22 भैंस गंगा में समा गई। हमारा 22 भैंस में 2 भैंस आया, 20 भैंस चला गया। जहाज के अंदर जहाज वाला कहे जहाज हटाने के लिए बोला कि नहीं। कहाँ लेकर के जा रहा था? कहाँ ले जा रहे थे? अपना खेत में जो है ना ऊपर में, वहाँ से जाके बतौन दे देंगे, वहीं चराएंगे। कितने लोग थे? लोग थे 7 गो। 7 गो में 5 गो ऊपर हुए, 2 गो चला गया। कौन कौन था, नाम बताइए। अच्छा, भाई कहाँ लेके जा रहे थे? भाई वहाँ जा रहे थे अपना खेत में। फिर क्या हुआ? फिर क्या, बीरा जा रहे थे तो जहाज वाला को जहाज ही आगे बढ़ा दिया जहाज को। डेली जाते थे लेकिन जहाज को कहे उसको पीछे करने के लिए नहीं किया। तो भैंस मोनता था, हम पीछे थे, भैंस हिल गया। टक्कर हुआ क्या? टक्कर हुआ यानी दो लोग लापता है ना? दोनों का क्या नाम है? सिकंदर यादव, एगो कारू यादव। सब कहाँ के रहने वाले हैं? मायागंज। आपका नाम क्या है? आप भी वहीं थे? हम तो जहाज के तार से निकले हैं। घटना घटी है और जैसे कि बता रहे हैं लोग कि यहाँ से लोग भैंस के माध्यम से जो यहाँ के जो लोकल थे वो जाते थे पार करा के शायद उधर चढ़ने वगैरह के लिए ले जाते थे। आज पानी में करंट ज़्यादा है और बता रहे हैं कि 25-30 से ज़्यादा की संख्या में ये लोग, मतलब भैंसों की संख्या थी और लगभग 8 लोग थे जो साथ में थे और वो लोग क्रॉस कर रहे थे। बीच से एक स्टीमर भी क्रॉस कर रही थी और शायद पानी का बहाव तेज होने के कारण सभी भैंसे जो थे उसमें स्टीमर में जाके फंस गई और उसी में ये दुखद घटना घटी है। 6 लोग अभी तक बाहर आ चुके हैं, 2 लोग अभी तक SDRF की टीम लगी हुई है और अभी तक वो नहीं मिले हैं, तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा, फिर उसके बाद ही हम लोग एग्जैक्ट बता पाएंगे। पशु की संख्या अभी तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन 20-25 के करीब में ऐसा सूचना मिल रहा है के करीब है, लेकिन एग्जैक्ट जो रेस्क्यू ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जैक्ट संख्या। लोगों ने बताया कि जहाज वाले को रोकने के लिए कहा भी गया था लेकिन उन्होंने रोका नहीं, जैसे कि इतना बड़ी घटना हो गई। जहाज वाले को किसने कहा रोकने के लिए? स्थानीय ग्रामीण जो चरवाहा थे उन्होंने आवाज़ भी लगाई थी कि रोकने के लिए, कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, तेज बहाव चल रहा है। देखिए ये चीज़ तो नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि ये तो बीच नदी की घटना है और क्या है नहीं है ये तो बाद की बात है, बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो मेन है हम लोग का जो मुख्य चीज़ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो 2 लोग हैं उनको सुरक्षित हम लोग निकाल लें और अगर कोई जानवर उसमें वो हताहत है या घायल है तो उसका सही से इलाज हो सके।
भागलपुर के बरारी सिरी घाट पर नहाने पहुंचा एक व्यक्ति लापता हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो उस व्यक्ति ने विक्रमशिला सेतु से गंगा नदी में छलांग लगा दी है। लापता व्यक्ति की पहचान आदमपुर पोस्टल कॉलोनी निवासी उमा शंकर साहू के रूप में हुई है। वहीं लापता युवक के पुत्र गोलू साह ने घटना के बाबत बताया कि उसके पिता सुबह स्कूटी लेकर गंगा स्नान करने के लिए सिरी घाट पर आए थे, लेकिन करीब 4 घंटे के बाद वापस नहीं लौटे। लोगों ने सूचना दी कि विक्रमशिला सेतु से छलांग लगाया है। हालांकि परिजन इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद बरारी सिड़ी घाट पर पहुंचे लापता युवक के परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन घंटों खोजबीन के बाद उमा शंकर का कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद बरारी थाना को सूचना दी गई, लेकिन सूचना के 4 घंटे बाद भी बरारी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। लोगों के मुताबिक विक्रमशिला सेतु से छलांग लगाए जाने की बात पर परिजनों ने इसकी जानकारी SDRF टीम को भी दी, लेकिन SDRF की टीम भी घटनास्थल पर नहीं पहुंची। फिलहाल परिजन लोगों से पूछताछ कर उमा शंकर की पता लगाने में जुटे हुए हैं। सिड़ी घाट पर लापता युवक उमा शंकर की स्कूटी में चाबी लगा हुआ है, जिसका यह कयास लगाया जा रहा है वो स्कूटी छोड़कर कहीं गया है। इसी आस में परिजन उसकी खोजबीन कर रहे हैं। आए थे सिड़ी घाट नहाने के, उसके बाद 10 बजे तक जब नहीं आए तो हम लोग कि पापा ऑफिस जाना है उनको, तभी तक नहीं आया तो मम्मी बोली तो हम लोग आए घूमने। तो पिछले बार भी हम लोग आए थे पापा के साथ यहाँ नहाने, तो हमको लगा यहीं होंगे। यहाँ आए तो देखे घाट स्कूटी इनका लगा हुआ है, सब कपड़ा उपड़ा तो यहीं है, लेकिन वो नहीं मिले। उसके बाद अगल बगल ढूंढे तो कहीं अभी तक लापता है। जाके बरारी थाना में भी बोल के आए तो वो SDRF टीम को बोले हैं, तो वो 9:30 के बाद से अभी तक आए ही नहीं। लोगों ने यहाँ पे क्या बताया? लोग तो कोई कुछ बोल रहे हैं कि पहले तो बोले कि हाँ ऐसा कोई घटना नहीं है, फिर बाद में कोई बोलता है कि पुल से कोई कूदा है। अब वो कंफर्म कुछ बता नहीं, कोई बोल रहा है कभी लड़का है कभी कुछ है। जब हम बताए कि इतना एज में है तो कुछ कंफर्म कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अब तो ढूंढने के बाद आपके पापा क्या करते हैं? वो पोस्ट ऑफिस में है। कौन सा पोस्ट पे? ये पोस्टल असिस्टेंट। कहाँ पर? नाथनगर है। क्या नाम है? उमा शंकर साहू। आपका क्या नाम है? सौरभ साहू। घर कहाँ रहते हैं? घर तो साहू पर्वता हुआ। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ आदमपुर पोस्टल कलोनी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर भागलपुर व नाथनगर के आसपास के सभी क्षेत्रों में जुलूस ए मोहम्मदी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे जिले में जुलूस निकाली गई, जिसमें हजारों की आबादी शरीक हुई। बच्चे बूढ़े जवान सबों के हाथों में पताका लिए काफी खुश दिख रहे थे। हजरत मोहम्मद की योम पैदाइश के मौके पर जुलूस को लेकर प्रशासन काफी चुस्त व मुस्तैद दिखी। जिले में बड़ी संख्या में दंडाधिकारी व सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जबकि जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए राहगीरों को किसी तरह की परेशानी न हो उसके लिए पर्याप्त संख्या में महिला व पुरुष बल, बजदल, आरक्षी बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। इस तरह का जुलूस कोरोना काल के 2 साल बाद निकाला गया, जिसको लेकर लोगों में काफी हर्षोल्लास का माहौल था। वो इसलिए मनाया जाता है कि इसी महीने की 12 तारीख को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, लिहाजा इसी गर्द से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशियां मनाते हुए ये लोग जुलूस निकालते हैं। ये इसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है और बहुत सारे इसमें रवायत, लेकिन असली जो रवायत है वो 12 रबीउल अव्वल ही की रवायत है। लिहाजा इस महीने में 12 रबीउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशियां लोग मनाते हैं, और इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार मनाते हैं। और पर्व त्यौहार की भांति इस बार भी ट्रैफिक की पुख्ता व्यवस्था की गई है। पुख्ता और व्यापक व्यवस्था है। सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक का फोर्स लगाया गया है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर रूट को डाइवर्ट किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसको संचालित किया जाता है। ट्रैफिक में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना ही कहीं पर जाम लगा है। सुरक्षा व्यवस्था के रूप में बहुत तरह के जिला में ऊपर जितने फोर्स है वो लगाए गए हैं, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स, बजरा, दंगा, CIT और जिला पुलिस बल के जितने भी DAP और हैं वो सारे के सारे लगाए हैं। हर चौक चौराहों पर वरीय पदाधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक प्रतिनियुक्ति की गई है, और पुलिस उपाधीक्षक स्तर से लेकर वरीय स्तर तक के पदाधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और भ्रमणशील होकर विधि व्यवस्था संचालित कर रहे हैं। भागलपुर में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी एक बार फिर से नौगछिया में देखने को मिला, जहां अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि किसी को भी अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं। भागलपुर शहर में लगातार हो रही घटना के बाद इन दिनों नौगछिया पुलिस जिला गोलियों की गूंज से थर्रा रहा है।
शनिवार देर रात नौगछिया के कदवा थाना क्षेत्र के पचगछिया टोला में बेखौफ अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रात 9 बजे अपने बासा पर किसान नगेश्वर सिंह सोए हुए थे। सोए अवस्था में अपराधियों ने उन पर गोली चलाई। 3 गोली लगने की बात कही जा रही है। सुबह जब परिजन बासा पर पहुंचे तो खून से लथपथ सबको देखा। पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक नागेश्वर सिंह की 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। तीनों बेटियों और एक बेटी की शादी हो चुकी है। कब देखे आप? घटना कब बजे हुआ? 9 बजे रात में। 9 बजे रात में गोली फायर किया था। हमको हमसे डर ही होगा। किसी से कोई विवाद भी था इसको? क्या नहीं, रातें में मरा। कितना बजे? 9 बजे हमारे घर से। ठीक, पता कब चला आप लोगों को? हम लोग 5 बजे सुबह दादी आए ना बस बकरिया देने के लिए, तभी उनसे कही आने के लिए। किसी से इसको कोई विवाद भी चल रहा था क्या? ना, चल रहा था, हम लोग को पता नहीं था। यही करता है। कितना कितना बेटा है इनको? 2 बेटा है। सब शादी शुदा है? एक तो शादी शुदा, एक तो कमाया। बेटी भी है क्या? हाँ, 3। तीनों शादी हो गया कैसे? हाँ। बिहार सहित भागलपुर में डेंगू की मरीजों की संख्या को देखते हुए जहां अस्पतालों में तैयारियां की जा रही है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की ओर से फोगिंग की व्यवस्था हर एक वार्ड में रोटेशन के तहत की जा रही है, जिससे डेंगू के मच्छरों से शहरवासियों को बचाया जा सके और डेंगू से बचाव हो सके। इसको लेकर लगातार भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के 51 वार्डों में लगातार फॉगिंग की जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि फॉगिंग पूजा के समय से शुरू किया गया था, लेकिन अब लगातार इसे बढ़ा दिया गया है। डेंगू को देखते हुए लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, मच्छरों से जो भी बीमारियां हैं उनके बचाव के लिए नगर निगम द्वारा पूरे शहर के सभी वार्डों में फॉगिंग का जो रोस्टर है वो तैयार कर लिया गया है। और आपने देखा होगा कि जो पिछले सप्ताह जितना पर्व त्यौहार था और उसमें लगातार एक सप्ताह तक रोस्टर के अनुसार हम लोगों ने फॉगिंग कराई है, और वही रोस्टर को हम जो है दोबारा उसका अनुपालन करा रहे हैं, और ये जो फॉगिंग की प्रक्रिया है भी लगातार 1 महीने तक चलती रहेगी। सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी शिक्षक भागलपुर विधायक अजीत शर्मा से उनके आवास पर मिलने पहुंचे और अपनी कई परेशानियों को साझा किया। उनका कहना था कि भागलपुर में तकरीबन 4 से 5 लाख उम्मीदवार सीटेट और बीटेट की परीक्षा पास करके बरसों से भटक रहे हैं। जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेकर नौकरी दिलाने की पहल की जाए। इन लोगों ने राजनीतिक फंडे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार जिस तरह वायदा करके हम लोगों को बरगलाने का काम करती थी, उसी तरह तेजस्वी की सरकार भी हम लोगों के साथ छल कर रही है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार भी युवाओं के लिए फैल है और महागठबंधन की सरकार भी युवाओं को तरजीह नहीं दे रही, सिर्फ वायदे करने का काम कर रही है। जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मैं आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाऊंगा और उम्मीद है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कांग्रेस के विधायक दल के नेता सब भागलपुर के विधानसभा के विधायक अजीत शर्मा जी से मिलने आए थे। चूँकि हम लोग का 7वें चरण का प्राथमिक शिक्षक बहाली का मामला है। 3 साल से हम लोग गर्दनीबाग पटना में आंदोलन कर रहे हैं, और जब से सरकार बदली है तेजस्वी यादव सरकार में आए हैं तो हम लोग को उम्मीद बढ़ गया है। और चूँकि उम्मीद बढ़ेगा भी क्यों नहीं, हम लोग तेजस्वी यादव को ही हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, हमेशा वोट देते आए हैं, विश्वास था इन पे भी ये देंगे, लेकिन ये भी हम लोग को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बोले थे पहली कलम से 10 लाख देंगे, लेकिन अभी तक कोई कलम नहीं चला है। उम्मीद करते हैं तेजस्वी भैया से, माननीय विधायक जी के माध्यम से, कि कलम खोजिए और चलाइए सर, हम लोग 3 साल से रोड पर घूम रहे हैं। डाक विभाग देश के सबसे पुराने विभागों में एक है, जो कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा संगठन है जो न केवल देश के भीतर बल्कि देश की सीमाओं से बाहर अन्य देशों तक पहुंचने में भी हमारी मदद करती है। पूरे विश्व में 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम पोस्ट फॉर प्लानेट है। इसी क्रम में 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत हर दिन एक अलग अलग विषय को लेकर कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाले राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत वर्चुअल मोड में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का विधिवत उद्घाटन किया गया। बिहार डाक परिमंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
भागलपुर डाक प्रमंडल के निरीक्षक संजीव कुमार झा ने बताया कि एक सप्ताह के कार्यक्रम में डाक विभाग प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भागलपुर के सुल्तानगंज के खानपुर पंचायत के हाईस्कूल के प्रांगण में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का नेतृत्व श्रम संसाधन विभाग की श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अभिनव आलोक ने किया। इस शिविर में 16 महिलाएं एवं पुरुषों को श्रम संसाधन विभाग के द्वारा लेबर कार्ड का प्रमाण पत्र वितरण करते हुए सभी लेबर को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान श्रम संसाधन विभाग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अभिनव आलोक ने सभी श्रमिक मजदूरों को सरकार के अंतर्गत चल रहे श्रम संसाधन विभाग की 16 प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही लाभ लेने की बात बताई। इस दौरान हेमंत कुमार, शिव नारायण, धर्मेंद्र सिंह, नागेंद्र कुमार, पिंटू कुमार, विजय कुमार सहित कई ग्रामीण एवं श्रमिक मौजूद रहे। तरफ से हम आए हुए हैं यहाँ पे, जो श्रमिक है उन लोगों को श्रम विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में पता नहीं है। लेबर कार्ड चलाया जाता है, यहाँ के लोगों का निबंधन बहुत कम हुआ है इसलिए आए हैं। ऊपर से ई श्रम का जो है अभी बहुत जोर से पूरे भागलपुर या पूरे बिहार में हो रही है, पूरे जोर से निबंधन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कम डाटा है। इस वजह से इन लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आज 16 लोगों का हुआ है, 16 लोगों का निबंधन हुआ है और यहाँ के लोगों को जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी श्रमिक हैं उन लोगों को योजनाओं का लाभ और ई श्रम का भी जो निबंधन है वो भी करवाना।